स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। दीप ज्योति जनार्दन दीप हर में पावन शुभम दीपो नमोस्तु ते। ओम अस्तु ना सदगमय तमसो ना ज्योतिर्गमय मृत्युर्वायु गमय। केंद्रीय मंत्री सम्माननीय अजय पारिखे और प्रांत मंत्री सम्माननीय उमेश जी, क्षेत्र संगठन मंत्री सम्माननीय जितेंद्र पवार जी, यहाँ पर उपस्थित महाकौशल प्रांत के सभी पदाधिकारीगण, सम्माननीय जन मातृशक्ति, विश्व हिंदू परिषद, समाज राष्ट्र धर्म संस्कृति के संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और आप सब जानते हैं कौन टारगेट कर रहा है, जिस प्रकार से लोकसभा में सरेआम नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि ये समाज हिंसक समाज है, जो समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पाप भवेत्। ऐसे समाज को अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए, वामपंथियों को संतुष्ट करने के लिए, ऐसे समाज को हिंसक बताने का प्रयास किया गया, जिससे पूरा हिंदू समाज आहत हुआ। संत समाज भी इस बात को सुन करके आहत हुआ, और निश्चित रूप से ये विचारणीय बात है, यदि हमारा समाज हम संगठित होते और पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ यदि इस चुनाव का सामना करते तो शायद ये दिन हमें देखने को नहीं मिलते। हमारी चार सीटें क्या कम आ गई, उनके मनोबल कितने बढ़ गए, वो सोचते हैं कि चार सीट हम जीत लिए हैं तो हम हिंदू समाज को गवा लेंगे, पर ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो सनातन धर्म है, सनातन है, सदैव सदा से रहा है और सदा रहेगा, और उसकी मूल में मैं ये देख रहा हूँ कि लाखों लाल अपने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के साथ पूरा संत समाज आपके साथ है, और इसलिए हम जब पूर्ण संकल्प के साथ अपने राष्ट्र देश धर्म संस्कृति के संरक्षण का काम करेंगे तो ये जो है हमारी धर्म संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। परंतु चिंतन तो हमें करना होगा, विचार करना होगा कि आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से अभी देखिए बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, वहाँ के घुसपैठिए हमारे देश में आकर के सुख चैन से और हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और हमारा हिंदू समाज, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आप सब, जैसा कि अभी प्रतिवेदन में कहा गया कि आप सब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं गौ संरक्षण के काम में, समरसता के काम में, और जितने भी संगठन के आयाम हैं, उन सारे आयामों के माध्यम से हिंदू समाज को सशक्त कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हम सब समरसता के इसमें के माध्यम से भेदभाव को दूर करें और समाज में ये बात पहुंचाने का प्रयास करें।
हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई। भगवान तो हमेशा ही कहते हैं, गीता में भगवान ने कहा ये जो है प्राणी मात्र हमारे अंश हैं, और भागवत में भगवान कपिल ने अपने माँ को उपदेश देते हुए कहा कि पिता को उपदेश दिया कि पिताजी ये जितने प्राणी हैं और इनमें जो ज्योति ममात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहा श्रेया सब में हमारी ही ज्योति प्रकाशित है, इसलिए हे पिताजी यदि आप सन्यास लेना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा, सब में हमारी ज्योति का दर्शन करना होगा। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आपकी पूजा कहाँ की जाए, तो भगवान ने कहा प्राणी मात्र की पूजा, प्रकृति की पूजा, धरती की पूजा, गौ माता की पूजा, आकाश अग्नि इन सब जो की पूजा ही मेरी पूजा है। तो हमारे धर्म शास्त्र सदा सर्वदा ये उद्घोष करते रहे हैं कि हम भेदभाव रहित होकर के जीवन दिए, सबसे प्रेम करें, सबको सम्मान दें, और यदि हम सबको सम्मान देंगे तभी हमारा धर्म सशक्त और मजबूत होगा। हम लोग भी मंचों के माध्यम से सदा सर्वदा इस बात का जिक्र करते रहते हैं और कि हम सब सनातनी एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान हैं, इसलिए हम समभाव रूप से एक साथ बैठ करके कंधे से कंधा मिला करके अपने राष्ट्र के लिए अपने धर्म संस्कृति के लिए काम करेंगे, तभी हमारी धर्म संस्कृति मजबूत होगी और हम सशक्त होंगे। ये जितने दैत्य होते हैं सदा से अपने शरीर को ही अपने को ही पोषित करते रहे हैं, और इसलिए आप देखें धर्म ग्रंथों में कि जितने भी असुर स्वभाव के लोग हैं अपने शरीर की रक्षा के लिए सदा सर्वदा प्रयत्न करते रहे। ग्रंथों में बात आती है दुर्दम नाम का दैत्य हुआ इस देश में, उस दुर्दम दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने ब्रह्मा जी से कहा कि अपने वेद दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वेद मंत्र क्या करोगे, उसने कहा वो उपासना किया है, साधना किया है, वरदान दीजिए, और ब्रह्मा जी को देना पड़ा। और उस दुर्दम दैत्य ने अपने धर्म ग्रंथों को ले जाकर के सागर में छिपा दिया। ये जितने आसुर स्वभाव के लोग हैं सदा सर्वदा, और छिपाने का उद्देश्य ये था कि जब आप सत्कर्म नहीं करेंगे, राष्ट्र की आराधना नहीं करेंगे, समाज के उत्थान के लिए काम नहीं करेंगे, तो ये देवता और आप सब कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर हो जाएंगे तो हम सशक्त रहेंगे। इसलिए ये जितने आसुर स्वभाव के लोग हैं सदा सर्वदा हमारे जो मूल हैं, जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, जो हमारे मान बिंदु हैं, उनको सदा से ध्वस्त करने का प्रयास करते रहे हैं। परंतु मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि हम और आप मिलकर के उनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम राष्ट्र की आराधना करेंगे, समाज की आराधना करेंगे, धर्म की आराधना करेंगे और अपने धर्म संस्कृति को मजबूत करेंगे। आप सबके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नर्मदे हर, जय श्री राम, जय श्री राम।